जैन समाज के उपस्थित सभी महानुभाव और आज के इस प्रसंग में यहाँ पर उमड़ पड़ा जनसागर, सबको मेरा नमस्ते, मेरा प्रणाम। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का मेरा परिचय पहली बार जबलपुर के पास गायघाट पर जो स्थान बना है वहां पर हुआ। मैं उस समय संघ का सरकारी हुआ था, पहली बार मिलने जा रहा था। अध्यात्म का कुछ संपर्क मुझे तो है नहीं, तो आचार्य श्री के दिव्य व्यक्तित्व के सामने जाने से क्या होगा, कैसे होगा, ये डर मेरे मन में था। परंतु वहां पर उनकी जो स्नेहमय आत्मीय व्यवहार की झलक देखी, उसके चलते भय भी दूर हो गया और संकोच भी दूर हो गया। बाद में जब जब संभव हुआ, विशेषकर चौमासे के समय या मेरे प्रवास में आसपास कहीं वो पता चलने पर, वो है ऐसा पता चला, तो मैं जाकर मिलता था। और उस समय मुझे ये पता चला कि पूरे देश का मार्गदर्शन वो अपने मन वचन कर्म से कर रहे हैं। क्योंकि अपने देश की एक विशिष्ट दृष्टि है, अपने देश की एक विशिष्ट प्रकृति और संस्कृति है, और उसको वही यथार्थ में जान सकता है जो अध्यात्म के साधक हो। आध्यात्मिक स्तर में बहुत ऊंचाई प्राप्त करने के बाद जो सत्य समझ में आता है, उस सत्य पर ही आधारित हमारे देश की प्रकृति, संस्कृति, आकांक्षा है। और आचार्य श्री आध्यात्मिक साधक थे और उस सत्य के बलबूते वो संपूर्ण भारत के साथ एकाकार हुए थे। अपने देश में अनेक मत पंथ संप्रदाय है, धर्म है, वो एक विशिष्ट उपासना को लेकर अपनी उनकी तपस्या थी। परंतु सत्य को जानने के बाद यह जब एकाकारिता सध जाती है तो कोई पराया नहीं होता, क्योंकि आदमी यह जान जाता है जैसा वही बताते थे कि रास्तों में अंतर है, गंतव्य में और रास्तों पर चलने के तरीके में कोई अंतर नहीं, और इसलिए हम सब लोग एक है। लेकिन हम एक कैसे ही जानने के लिए स्व को जानना चाहिए, इसलिए बहुत आग्रह पूर्वक वो कुछ बातें रखते थे। वो कहते थे भारत को भारत कहो, इंडिया मत कहो। क्योंकि भारत को भारत कहेंगे तो भारत को भारत समझकर जानेंगे। वैसा जानने के कारण अभी मैं डोंगरगढ़ में आखिरी बार उनको मिला तो उन्होंने एक पते की बात मुझे बताई, भारत के आर्थिक उन्नति को लेकर। उन्होंने कहा कि हमारे ग्रामों में, जंगलों में बसने वाले बहुत प्रतिभाशाली कारीगर है, उन कारीगरों की कारीगरी के आधार पर देश की उन्नति का प्रयास अगर होता है तो रोजगार बढ़ता है, आर्थिक उन्नति होती है और भारत का भारतीयत्व सामने आता है। बहुत सरल शब्दों में तीन बातें उन्होंने बताई, इतने सरल शब्दों में बताई है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आज बड़े बड़े विद्वान लोग
इसी दिशा में अवगाहन कर रहे, सोच रहे भारत की उन्नति के लिए। और ऐसे वो थे, अजात शत्रु थे, सबके प्रति आत्मीय थे और सत्य पर नित्य अधिष्ठित रहकर और सारी बातें करते थे। इसलिए जो भी उनके पास जाएगा उसके अपने कल्याण की और समस्त विश्व के कल्याण की बात वो आसानी से केवल समझा नहीं सकते थे, करवा सकते थे। ऐसे लोग अपने देश को मिलते रहे। मराठी में, महाराष्ट्र में एक संत हो गए ज्ञानेश्वर महाराज। उनकी तपस्या के बाद उन्होंने एक पसायदान मांगा, वरदान मांगा भगवान से। कविता है उनकी पसायदान, उसमें वो कहते हैं कि जो चंद्रमा जैसे शीतल है लेकिन चंद्रमा जैसा कलंक जिन पर कोई नहीं, सूर्य जैसे तेजस्वी है परंतु सूर्य जैसे तापदायक नहीं है, जो सबके लिए सदा सज्जन है, सबके अपने हैं, ऐसे ईश्वर निष्ठों की मंडली हमको सदा मिलती रहे। विद्यासागर जी महाराज उस मंडली में एक थे। और ऐसे लोग अपने राष्ट्र की निधि है, उनके बलबूते, उनके मार्गदर्शन के चलते समय चक्र के उतार चढ़ाव में सब प्रकार की परिस्थितियों में से हम लोग सही सलामत आगे निकले हैं। और इसलिए अब वो हमारे आंखों के सामने से अंतर्धान हो गए। अंतर्धान हुए तो ठीक है, सूक्ष्म जगत से मार्गदर्शन करेंगे, परंतु हमको आंखों के सामने वैसा ही एक आचार्य चाहिए। और मुझे बड़ा आनंद है कि आप सब लोगों ने उचित विचार करते हुए पूज्य श्री समय सागर जी महाराज को यह स्थान लेने के लिए कहा है। मैं हृदय से आप सबके इस निर्णय का अनुमोदन करता हूं। आज वो पदारोहण करेंगे, उनके प्रति मेरे श्रद्धावनत प्रणाम अर्पण करता हूं और इसी प्रकार उनके मार्गदर्शन की छाया में अपने राष्ट्र जीवन का रथ आत्म सुखाय और सर्वजन हिताय आगे बढ़ता रहे, यह इच्छा प्रकट करता हूं, यह विश्वास भी प्रकट करता हूं और आपको धन्यवाद देता हुआ मेरे चार शब्द समाप्त करता हूं।